हाय ऑल, वेरी गुड इवनिंग सबको। सो आज फिर से इतने दिन बाद मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाऊं, क्योंकि अब टाइम आ गया है कि आपके जो भी गर्मी वाले और जो परमानेंट प्लांट्स है उनको रेडी करने का फ्लावरिंग के लिए। तो पहले अगर मैं इंट्रोडक्शन दूं थोड़ा, तो प्लांट्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है एनुअल, एक होता है पेरिनियल। एनुअल जो होते हैं वो साल में एक बार फ्लावरिंग करते हैं, उनको सीजनल प्लांट्स भी बोल सकते हैं। वो साल में एक बार फ्लावरिंग करते हैं, फिर मर जाते हैं। और जो पेरिनियल होते हैं वो परमानेंट प्लांट्स होते हैं, वो मरते नहीं हैं। भले ही वो पूरे साल में अपनी फ्लावरिंग कुछ टाइम के लिए बंद करते हैं, बट वो मरते नहीं हैं, वो ज़िंदा रहते हैं। तो अगर मैं बात करूँ तो अभी जैसे बसंत स्प्रिंग सीजन स्टार्ट हो गया है, तो अब टाइम आ गया कि हम उन प्लांट्स को रेडी करें फ्लावरिंग के लिए, इस सीज़न की फ्लावरिंग के लिए। और फेब से लेके दिसंबर तक आप बोल सकते हैं एवरेज कि ये प्लांट्स फ्लावरिंग करेंगे, ठीक है। तो अब मैं एक प्लांट दिखाता हूँ आपको, मेरा जो मेरा परमानेंट प्लांट है हिबिस्कस का, वाइट हिबिस्कस का। तो ये मेरा 1.5 साल पुराना पौधा है, तो अब हम लोग इसको रेडी करेंगे इस सीज़न की फ्लावरिंग के लिए। सो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा वाइट हिबिस्कस का प्लांट है। ये 1.5 साल पुराना प्लांट है, अभी आप इसका देख पा रहे होंगे, इसकी सब लीव्स सब झड़ चुकी है, बहुत छोटी हो चुकी है, बर्ड्स है बट फ्लावरिंग उतनी अच्छे से नहीं होगी, क्योंकि अभी अभी विंटर गया है। तो विंटर में ये प्लांट क्या होता है, अपनी फ्लावरिंग को बंद कर देता है और इसमें नई फ्लावरिंग नहीं होती है। तो अब इस प्लांट को हम लोग को रेडी करना है इस सीज़न की फ्लावरिंग के लिए, क्योंकि अब सिंस बसंत आ गया है तो अभी अपनी फ्लावरिंग वापस से स्टार्ट करेगा। आप इसका ये बेस देखिए, इसका बेस कितना मोटा हो गया है। ये मैंने 12 इंची के गमले में लगा के रखा है अपना प्लांट, ओके। और ये बहुत अच्छी, मतलब डेली बेसिस पे, इसके सीज़न में डेली बेसिस पे इसने मेरे को 8 से 9 फ्लावर्स डेली बेसिस पे देता है। तो वाइट हिबिस्कस ऐसे तो मैं नहीं बोलूँगा कि बहुत ही अनकॉमन प्लांट है, बट स्टिल मैंने वाइट हिबिस्कस मार्केट में नहीं देखे हैं, तो ये बहुत ही अट्रैक्टिव लगते हैं देखने में, बहुत सुंदर लगते हैं वाइट हिबिस्कस। इसकी पिक्चर भी आप ऊपर देख सकते हैं। सो अब इसको कैसे रेडी करना है इस सीज़न की फ्लावरिंग के लिए वो आपको दिखाता हूँ, चलिए। सो ये देखिए, पहले हम लोग सबसे पहले क्या काम करेंगे कि इसकी मिट्टी को पूरा साफ़ कर लेंगे, क्योंकि सब लीव्स वगैरह झड़ के इसमें गिरी है, तो मिट्टी को पूरा क्लीन कर लेंगे। सो इसकी पूरी लीव्स जो है वो हम निकाल लेंगे। अभी मिट्टी को क्लीन करने के बाद हम इसकी मिट्टी को थोड़ा लूज कर देंगे, जिसको हिंदी में गुड़ाई भी बोला जाता है। तो वो इस टूल की हेल्प से होती है गुड़ाई। सो इसको गुड़ाई करना, वैसे तो मैं अपने अलग एक वीडियो में कवर करूँगा कि कैसे करें, क्योंकि इसकी भी एक टेक्निक है। अभी इसकी मिट्टी को मैं पूरा, इसकी जो ऊपर की जड़ होती है इसको पूरा खोल दूंगा। ये देखिए ऊपर की जड़ को थोड़ा थोड़ा 1 इंच 2 इंच डीप। सो ये पूरी गुड़ाई करके इसकी मिट्टी को पूरा 1 इंच 2 इंच डीप पूरा लूज हो गई है। अब इसकी मिट्टी आप देख सकते हैं, अब पूरी सॉफ्ट हो गई है, और ऊपर की जितनी भी आर्टिफिशियल जड़ें थी 1-2 इंच तक, वो मैंने सब साफ करके निकाल दिए था। आर्टिफिशियल जड़ों का बेसिकली कुछ काम नहीं होता है, जो भी पौधे को खाना, धूप पानी ये सब जो मिलती है वो नीचे इनकी जो जड़ें हैं नेचुरल उनसे मिलती हैं। तो इसलिए हम लोग को ऐसे टाइम टू टाइम, ये हर एक महीना में ऐसे, जब मिट्टी, एक पौधे की पूरी मिट्टी सुखा के उसकी गुड़ाई करनी चाहिए। अब इस पौधे पे जो अगला काम हमें करना है, वो करना है कि इसकी डालियों को काटना है। तो अगर आप जहाँ से भी किसी एक डाली को काटेंगे, जितनी आप, इसको प्रूनिंग बोलते हैं इस एक्सरसाइज को, और आप जितनी प्लांट की प्रूनिंग करेंगे उतना आपका प्लांट घना होगा,
जैसे मैंने यहाँ से काटा था, यहाँ से मैंने कट किया था पहले, तो इससे आप दे सकते हैं नीचे से दो नई ब्रांच निकल के आई है। तो जितनी आप प्लांट की प्रूनिंग करेंगे टाइम टू टाइम, उतना आपका प्लांट घना और बेहतर होगा। बट प्रूनिंग का भी एक सही समय होता है, वो मैं आपको अलग से एक वीडियो में कवर करूँगा। तो प्रूनिंग दो टाइप की होती है, सॉफ्ट और हार्ड। तो अभी इस प्लांट की हमें हार्ड प्रूनिंग करनी है, क्योंकि ये सीज़न का स्टार्ट है, तो हमें इसकी अच्छी से प्रूनिंग करनी है। अब प्रूनिंग करने के लिए आपको प्लांट की कटिंग, किसी भी डाली की कटिंग कैसे काटनी है, जैसे ये एक डाली है इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इस डाली को 2/3 हिस्से में आपको काट देना है, 1/3 खाली रहेगा, 2/3 काट देना। तो 1/3 में भी कट कैसे लगाएंगे आप, कट जो होना चाहिए वो तिरछा होना चाहिए ऐसे। जो कट होना चाहिए वो ऐसे तिरछा होना चाहिए, ये सीधा नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा कि वहाँ पे पानी रुकने लगेगा। तो ये खाली एक हिस्सा रह गया और 2/3 मैंने काट दिया इसका। तो ये देखिए, मैंने इस प्लांट की हार्ड प्रूनिंग कर दी है, एंड वही 2/3 का नियम लगा के हर ब्रांच को, और इसको आप अपने हिसाब से शेप भी दे सकते हैं, किसी भी पौधे को आप अपने हिसाब से आकार दे सकते हैं, आपको जैसा रखना है। तो अभी ये एक डिसेंट शेप में लग रहा है, इसकी जो भी कटिंग्स है, ये कटिंग्स को भी आप लगा सकते हैं, ये अभी ग्रो कर जाएगी इजीली। तो अब इसमें जो अगला काम हमें करना है, इसमें हम सबसे पहले देंगे वर्मी कंपोस्ट बहुत अच्छे से, भी क्योंकि अभी इसमें खाद की कमी हो गई है, मिट्टी पूरी एकदम मतलब रफ हो गई है, खाली बालू और मिट्टी बची है। तो इसमें हम बढ़िया से खाद देंगे, वर्मी कंपोस्ट पहले। तो इसमें मैंने अप्रोक्सीमेटली 3-4 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट डाल दी अच्छे से। और अगला जो हम लोग आइटम इसमें देंगे वो है नीम खली। नीम खली का काम क्या होता है कि ये कुछ भी कीड़े वगैरह नहीं लगने देती है प्लांट्स में। तो इसको हम लोग, ये 2 चम्मच आप तकरीबन बोल सकते हैं, ये 2 चम्मच हम लोग इसमें डाल देंगे। और अगला जो आइटम हम लोग देंगे प्लांट्स को ग्रोथ के लिए, मेजरली 3 मैक्रो कंपोनेंट्स चाहिए, नाइट्रोजन, पोटेशियम और फॉस्फोरस। तो अभी क्योंकि हम लोग ने इस प्लांट की हार्ड प्रूनिंग की है, तो अभी हमें इसमें चाहिए सबसे पहले पत्तियाँ, कि ये प्लांट पूरा घना हो जाए एंड इसमें पूरा पत्ती वगैरह सब पूरा भर जाए प्रॉपरली, ताकि अपना खाना अच्छे से, क्योंकि खाना पौधे पत्तियों के थ्रू बनाते हैं, तो पहले चाहिए सबसे पहले पत्ती। तो अभी इसमें हम जो फर्टिलाइज़र देंगे, अभी हमें खाली नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र देना है। तो नाइट्रोजन रिच में, ये वर्मी कंपोस्ट में भी नाइट्रोजन की मात्रा है, बट अलग से हम थोड़ी चाय पत्ती डालेंगे, 1 से 1.5 चम्मच हम इसमें चाय पत्ती डाल देंगे 12 इंच के गमले में। और चाय पत्ती तो घर की हो गई, अगर आपको बाहर से लेना है फर्टिलाइज़र तो आप हॉर्न डस्ट भी यूज़ कर सकते हैं चाय पत्ती की जगह, वो नाइट्रोजन का रिच सोर्स है। तो नाइट्रोजन क्या होता है, ग्रीन हरी पत्ती और बड़ी मतलब पत्तियों की घनी ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन बहुत ही अच्छा होता है। अब हम लोग सब चीज़ डालने के बाद, तीनों चीज़ डालने के बाद इसको अच्छे से मिट्टी में मिला देंगे। और फिर इसमें अच्छे से पानी दे देंगे, ताकि ये पूरा फर्टिलाइज़र नीचे तक अच्छे से मिक्स हो जाए। और फिर अगला काम इस पे क्या करना है वो मैं आपको अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा, कि इसको कैसे फर्टिलाइज़र देना है इससे ज़्यादा मात्रा में फूल पाने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू।